करते हैं बेटा मैं कर क्या रहा हूं एक बार आपको ब्रीफ रिव्यू दोबारा दे रहा हूं आप चेक करेंगे अपने में, जो अपने में हैं. आप प्लीज चेक करें जो नहीं हुए होंगे वो आप लिखेंगे साथ साथ so, ब्रीफ रिव्यू में सबसे पहले डेरेवेटिव के बेसिक फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं एक एक करके इन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सटूप क्या रिलेशन होता है याद है इसमें तीन आपको सब बोले थे याद करने के लिए रूट एक्स का डेरेवेटिव क्या होता है one by two root x. X का कितना होता इतनी बात साइन एक्स का डेरेवेटिव कॉस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो नाइनटी परसेंट केसेस में इतना काम कर देंगे आपके नाइनटी फाइव परसेंट केसेस में कुछ कभी कभी आगे के लग सकते हैं जैसे टेन एक्स का डेरेवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स

अगर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है फंक्शन से तो कॉन्स्टेंट डेरेवेटिव से बाहर आ जाता है फंक्शन को डिफरेंशियट कर देते हो अगर दो फंक्शन तो आप सेपरेट कर सकते हो अलग अलग कर सकते हो दोनों को डिफरेंशियट दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो लगाते हो प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल में क्या होता है फर्स्ट इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिशन ऑफ फर्स्ट डिविडेंड रूल क्या होता है डिविडेंड रूल में हम क्या करते हैं दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं

स्टेप्स चेक कीजिएगा और अगर आपने कोई और मेथड किया है तो प्लीज मेरे को पूछ लीजिएगा सर ये ठीक है कि नहीं है आंसर नंबर वन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला वन थाउजेंड थर्टी सेवन ई क्यूब सेवन सबका आंसर क्या होगा जीरो ऑल आर कॉन्स्टेंट्स जितने भी हैं ये सब हैं देयरफॉर देयर डेरिवेटिव्स वो सब क्या होंगे जीरो पहले के सारे पार्ट का आंसर क्या है जीरो सेकेंड पे आ जाते हैं सेकेंड में फर्स्ट पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सटू पार फोर डायरेक्ट टू पार एन का एक्सप्रेशन लगेगा डायरेक्ट टू पार एन का एक्सप्रेशन लगेगा टू पार एन का एक्सप्रेशन क्या होता है एन एक्सटू पार एन माइनस वन एन की जगह क्या है फोर है सो so, रिलेशन क्या यूज हुआ फोर एक्स टू दर फोर माइनस वन ये क्लियर सेकेंड पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पार थ्री बाई टू रिलेशन एन एक्स टू पार एन माइनस वन थ्री बाई टू माइनस वन कितना हो गया वन बाई टू थर्ड पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पार माइनस सेवन रिलेशन एन x टू पार n माइनस वन बेटर रहता है हमेशा रिजल्ट को सिंप्लीफाइड लिखो थ्री बाई टू रूट एक्स लिखो ऊपर वाले को इसको माइनस सेवन अपॉन एक्स टू पार एट लिखो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट आंसर प्रॉपरली फोर्थ पार्ट डी बाई डी ऑफ एक्स टू पार माइनस नाइन बाई सिक्स माइनस नाइन बाय सिक्स कट रहा था पता नहीं क्यों नहीं काटा कोई बात नहीं ये कितना हुआ एन एन की जगह क्या है माइनस नाइन बाई सिक्स एक्स टू पार एन माइनस वन सो माइनस नाइन बाई सिक्स एक्स टू पार दो माइनस नाइन बाई सिक्स एक्स टू पार फाइव बाई टू थ्री से कट रहा था ठीक है आ जाते हैं थर्ड पे थर्ड क्वेश्चन इफ वाईज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस दिस डी बाई dx. थर्ड क्वेश्चन में y की वैल्यू दी है आपको dy बाई डीएक्स निकालना है मतलब दोनों साइड क्या करना है डिफरेंशिएट करना है सो आंसर नंबर थ्री आपको बोला इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस नाइन डी वाई बाई निकालना है सो so दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्यूब को एक्स टू पार माइनस थ्री लिखोगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन फॉर्मूलाज लगाइए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया थ्री एक्स स्क्स टू पार थ्री माइनस वन एक्स टू पार माइनस थ्री का कितना हुआ माइनस थ्री एक्स टू पार माइनस थ्री माइनस वन और नाइन का कितना हुआ जीरो रिजल्ट हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स टू पार फोर गॉडेट ये था नंबर थ्री आ जाते हैं फोर्थ पे इसमें लगेगा चेन रूल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिलेशन कौन है रूट ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव रूट ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव इसको डिफ्रेंशिएट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इसको x सोचोगे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वो जो रूट के अंदर है, उसको आप क्या सोच लोगे x सोच लोगे क्या फॉर्मूला होता है रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स यही होता है जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद होंगे तब स्ट्राइक करेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह अगर कुछ और है तो उसके डेरेवेटिव से क्या करते हो मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्सरुड एक्स की जगह एक पेज भर दूंगा हो तो फिर पे अगले पांच का बैच करूंगा एक एक करके करूंगा कंसेप्ट समझो पहले ध्यान से फोर एक्स क्यूब का क्या हो गया फोर बाहर एक्स क्यूब का कितना थ्री एक्स स्क्वायर और फाइव का कितना जीरो तो कितना हो गया ट्वेल्व एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू रूट फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव तो सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव ये हो गया आंसर नंबर फोर आ जाते हैं इस पेज के लास्ट क्वेश्चन पे आंसर नंबर फाइव पे देन मैं साइड हो जाऊंगा आप लिख लेना जो जो लिखना हो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स टू पावर सिक्स की पावर वन बाई फाइव पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है सो ये होगा क्या होगा x टू पार सिक्स बाय फाइव एक्स टू पार सिक्स बाय फाइव प्लस एक्स टू पार वन बाय एक्स टू पार सेवन आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पार सिक्स बाय फाइव प्लस एक्स टू पार माइनस सेवन यही निकालना है वन बाय एक्स टू पार सेवन का मतलब क्या हुआ एक्स टू पार माइनस सेवन नो प्रॉब्लम यहां तक सेपरेट आप कर सकते हो सेपरेट कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पार सिक्स बाय फाइव प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पार माइनस सेवन योग एन एक्स टू पार सिक्स बाय फाइव माइनस वन प्लस इधर भी एन एक्स टू पार माइनस सेवन माइनस वन रिजल्ट आ गया सिक्स बाय फाइव एक्स टू पार वन बाय फाइव माइनस सेवन अपॉन एक्स टू पार एट गॉड इट हो गए पहले पांच जिसने जो लिखना है लिख लीजिए आपके पास दो चार मिनट का समय है देन वील प्रोसीड टू तो नेक्स्ट फाइव आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेट देखते हैं अगले पांच क्वेश्चंस का सामने देखिए ध्यान दीजिए लिखने का काम बाद में होगा पहला क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफरेंशिएट ई टू पार माइनस एक्स कॉस एक्स ओ, ओ, ये होगा शायद डाउट आपका नहीं है तो बहुत बढ़िया नहीं है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा उसमें चेन भी लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पार माइनस एक्स कॉस एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा उसके अंदर चेन भी लगेगा बाद में पहले समझो समझो टाइम दूंगा लिखने का मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा पूरा पेपर e टू power minus x cos x प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन इन d by dx of ऑफ प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यहां तक कोई इश्यू नहीं नो no प्रॉब्लम अच्छा अब फॉर्मूलास लगाओ ई टू पार माइनस एक्स तो खुद दूसरा ई टू पार माइनस एक्स ही रहेगा कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन प्लस कॉस एक्स एज इट इज देखो गलतियां बच्चों की सबसे बड़ी प्लस माइनस की होती है कि वो ब्रैकेट्स नहीं लगाते प्रॉपरली ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे गलतियां होंगी अब देखो मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो यहां ब्रैकेट लगा दिया ना विच शोज की मल्टीप्लाई होता है बच्चे जल्दी जल्दी में यूं लिखते हैं टू पावर ब्रैकेट नहीं लगाते और लास्ट में इसको सब्ट्रैक्शन ही रहने देते जबकि ये हो तो मल्टीप्लाई रहा है ना तो प्लीज ब्रैकेट्स वगैरह लगाना प्रॉपर बॉडमास रूल लगाने की आदत बनाओ साफ साफ लिखो ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई टू पावर एक्स एक्टर एक्स की जगह क्या है माइनस एक्स उसकी डिफरेंसिएशन से क्या करोगे मल्टीप्लाई ये स्ट्राइक कर गया था अगर कर गया तो तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया इसका मतलब तुम्हें अब ये सॉल्व करो माइनस ई टू पार माइनस एक्स साइन एक्स इसका डायरेविट माइनस वन माइनस ई टू पार माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू पार माइनस एक्स कॉमन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गॉड एट समझ में आ गया ये है इसका सिक्स का आंसर आ जाते हैं सेवेंथ पे सेवेंथ क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है ब्रैकेट भी खोल सकता है आपकी कॉल है किससे करूं बोलो ब्रैकेट खोल देते हैं दोनों से करता हूं चलो कोई बुरा ना मान जाए थ्री एक्स प्लस टू फोर एक्स माइनस फाइव जब ब्रैकेट खोलोगे ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क् माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन प्लस एट माइनस सेवन एक्स माइनस टेन सेपरेट करो ट्वेल्व एक्स का हो गया टू एक्स सेवन एक्स का हो गया वन और टेन का क्या हो गया जीरो रिजल्ट ट्वेंटी फोर एक्स माइनस सेवन ये हो गया डायरेक्ट करने पे आप चाहते हैं प्रोडक्ट रूल लगाना तो प्रोडक्ट भी लग सकता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरेवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट ये हुआ थ्री एक्स प्लस टू फोर एक्स का हुआ फोर फाइव का हुआ जीरो प्लस फोर एक्स माइनस फाइव थ्री एक्स का हुआ थ्री टू का क्या हुआ जीरो ब्रैकेट ओपन ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स ट्वेंटी फोर एक्स प्लस एट माइनस फिफ्टीन माइनस सेवन आपकी कॉल जैसे मर्जी कीजिए ठीक आ जाते हैं एट्थ पे एट्थ एट्थ क्या कह रहा है डिफ्रेंशिएट वन बाय रूट ऑफ वन माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स उसकी आइडेंटिटी लगेगी रूट सॉरी वन माइनस कह रहा हूं रूट ऑफ एक्स की रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन टू रूट एक्स एक्स की जगह क्या है टू एक्स वन माइनस टू एक्स उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू एक्स का माइनस टू माइनस टू अपॉन टू रूट वन माइनस टू एक्स टू से टू कट गया रिजल्ट माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस टू एक्स इजी हमारा ठीक है ये गलत है मेरा कोई नहीं लड़की प्रिंट है मिस प्रिंटिंग अगर एलसीएम ले तो आंसर मैच करेगा तो नहीं, ले नहीं।, -2X, नहीं 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 मैच करेगा हमारा ठीक है मिस प्रिंटिंग है उसमें ये समझ में आ गया नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लगाओगे प्रोडक्ट रूल या ब्रैकेट आपकी कॉल है आंसर नाइन d by dx of x square plus 4x फोर एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स लगाए प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x हो गया प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स प्लस फोर फर्स्ट इंटू डेरेवेटिव सेकेंड सेकेंड इंटू डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए रिजल्ट आ जाएगा या गया टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वा प्लस टेन एक्स प्लस टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वाइनस फोर एक्स माइनस एट सिंप्लीफाई सिक्स एक्स क्यूब नहीं फोर एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट ठीक है योग नंबर नाइन्थ आ जाते हैं टेंथ पे फिर मैं साइड हो जाऊंगा टेंथ आपको कह रहे डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस डी क्या करोगे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एबीसीडी क्या होते हैं कॉन्स्टेंस याद है ना एक्स वेरिएबल है एबीसीडी कॉन्स्टेंस है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स माइनस डी का डेरिवेटिव क्या हो गया वन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टू ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट खोल दो नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो मर्जी तुम्हारी वैसे ब्रैकेट खोलना चाहिए खोल दे तो ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टू ए एक्स स्क्वाइनस टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी सो कितना आया थ्री ए एक्स स्क्वास टू बी एक्स और टू ए स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स कॉमन बी माइनस ए स्क्वायर एक रह गया एक्स स्क्वायर वाली टर्म रह गई नहीं लिख ली वो, ये लिख चुका हूं ना हाँ ठीक है प्लस सी माइनस ए बी ये रिजल्ट आ गया एक मिनट मैंने वो ए लिख लिया गलती से सॉरी वो डी है छोटा रह गया ना उसकी पूंछ छोटी सर छोटा रह गया वो ए लगा मेरे को सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टू ए एक्स स्क्वाइनस टू ए डी एक्स माइनस बी डी अब सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा ठीक है गॉट इट समझ में आ गया आपके पास दो चार मिनट है जिसने जो लिखना है लिख लो इसमें से चलिए आगे देखते हैं इलेवन से कंटिन्यू करते हैं इलेवन ट्वेल्व थर्टीन देखिए इलेवेंथ बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस थ्री माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर डिफ्रेंशिएट करना रैशनलाइज कर दो पिछली क्लास में भी किया था ऐसा या यही शायद किया था रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री रैशनलाइज कर लिया डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में क्या लगा ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टाइम मिल जाएगा लिखने का समझ लो पहले नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन चेंज हो गए एक्स एक्स कट गया ऊपर थ्री थ्री कट गया क्या बचा अभी डिफ्रेंशियट किया ही नहीं हमने अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं टू एक्स प्लस टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन सिक्स टू एक्स प्लस टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन सिक्स अब ऊपर नीचे टू कॉमन निकल के कट गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई थ्री इस थ्री को बाहर ले जाओ यह हुआ वन थर्ड ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन सिंपल क्वेश्चन अब वन थर्ड बाहर एक्स का डेरिवेटिव वन रूट इसको एक्स सोचो रूट एक्स का बाई टू रूट एक्स चेन रूल एक्स स्क् माइनस नाइन का डेरिवेटिव हुआ टू एक्स टू टू कट गया वन बाई थ्री वन प्लस रूट ऑफ एक्स बेटा दोबारा मैंने रैशलाइजेशन तक सबको क्लियर है यहां तक वन बाई थ्री को बाहर लिखा अब यहां डिफ्रेंशियट किया x का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया वन रूट इसको आप एक्स सोच लो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई आ गई समझ अगला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डिविडेंड रूल लगाओ डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में ऊपर क्या आएगा डिनोमिनेटर इनटू न्यूमिरेटर की डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमिरेटर इंटू डिनोमिनेटर पूरा लिख देता हूं स्टेप रुको पूरा लिखता हूं डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन या या वन प्लस कॉस एक्स साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस माइनस साइन एक्स वन का जीरो कॉस का माइनस साइन अपन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रिजल्ट आया वन प्लस कॉस स्क्र एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस कॉस एक्स पहले तो नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया टू कहां बेटे हाँ कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस कॉस कट गया वन अपॉन वन प्लस कॉस अब इसके बाद की जो सॉल्विंग है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करती है आपने इलेवेंथ की, की है कि नहीं वन प्लस कॉस का ट्रिग्नोमेट्री में आपने रिलेशन पढ़ा टू आप यहां पे छोड़ सकते हो बना नहीं है बट कई बार प्रूविंग आ जाती है वो फिजिक्स में नहीं आती मैथ्स में आती है तो मैथ्स में फिजिक्स मैथ्स uh, में फिजिक्स uh, में यहां तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं आएगी बट अगर आप और आगे लिखना चाहते हो वन प्लस टू कॉसर एक्स बाई टू तो रिजल्ट आ गया हाफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू ये लास्ट के दो स्टेप्स उनके लिए जिन्होंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक कर ली है अदरवाइज ऊपर वाले स्टेप तक मोर देन समझ में आ गया अगला डिफ़रेंशिएट वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स छोटे बच्चे क्या करेंगे इसमें पहले रैशनलाइज करूं या डायरेक्टली कर दूं आपने डायरेक्टली किया का क्या है पहले कर दीजिए रैशनलाइज ओके अब कर देता तो. हूं पहले क्या करते हैं रैशलाइज द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को रैशलाइज करते हैं जब डिनोमिनेटर को रैशलाइज करेंगे तो होगा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स इंटू वन माइनस रूट एक्स ऊपर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं डायरेक्ट करने पे ज्यादा छोटा हो रहा था कटेगा नहीं कुछ भी डायरेक्ट कीजिए डायरेक्ट कीजिए डिनोमिनेटर पिछले वाले में वो कट रहा था सिंगल टर्म बन रही थी इसमें कुछ नहीं कट रहा डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर ऊपर क्या होगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगाइए वन प्लस रूट एक्स एज इट इज वन का जीरो माइनस रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स माइनस बचा माइनस वन माइनस रूट एक्स एज इट इज वन प्लस रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में वन बाय टू रूट एक्स कॉमन आ रहा है माइनस भी कॉमन आ रहा है बचा वन प्लस रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स होल होल का का स्क्वायर, स्क्वायर। कट गया बचा से कटा अपॉन ये आंसर आया। समझ में आई हां जी बेटा बोलिए मैंने भी बेटा देख देख अगर मेरे को रट्टा होता अगर मेरे को रट्टा होता कि होगा तो मैं सीधा करता ना इसे मैंने पहले रैशनलाइज किया नीचे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा नीचे सिंगल टर्म नहीं आ रही पिछले वाले केस में जो हमने किया था इस वाले केस में डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बन रही थी और वो कांस्टेंट थी तो बाहर ले लिया था इसमें नहीं बन रही तो मैंने कहा यार और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा तो हटा दिया उसको इसीलिए डायरेक्ट किया ठीक है बाकी प्रैक्टिस से और आ जाएगी चीज ठीक हाँ बेटा तो हाँ जी कोशिश करो सिंगल टर्म हो जाए तो भी आसान हो जाता है मल्टीपल टर्म्स अगर आ रही है फिर तो बाद में भी डिविडेंड रूल लगाना ही है तो इट्स बेटर शुरू में ही लगा दो गलत नहीं आएगा अलग आएगा वो और दूसरे फॉर्मेट में होगा उसमें भी बाद में फिर डिविडेंड रूल तो लगेगा ही नाइन नहीं, नहीं केस ठीक है दो और करता हूं फिफ्टीन तक करता हूं फिर आप लिखना क्योंकि फिफ्टीन में मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है अलग डिफ्रेंसिएशन का प्लीज ध्यान दीजिए फोर्टीन इसमें भी डिविडेंड रूल लगेगा बाई डी टी ऑफ टी क्यूब अपॉन वन माइनस टी क्यूब डिविडेंड रूल लगाइए डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में क्या आएगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कितना है वन माइनस टी क्यूब इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर यही होता है ना फॉर्मूला डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर डिफरेंटर इंटू डिनोम थ्री टी स्क् माइनस टी क्यूब वन माइनस टी स्क् थ्री टी स्क् वन का जीरो हो गया ना डिवाइडेड बाई वन माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर न्यूमिरेटर में थ्री टी कॉमन बचा क्या वन माइनस टी क्यूब प्लस टी क्यूब यह कट गया अपॉन वन माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर सो फाइनल रिजल्ट आ गया थ्री टी स्क्र अपॉन वन माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर करेक्शन कर लो आपका भी यही आ रहा है ना मिसप्रिंटिंग तीन चार में है इसमें मिसप्रिंटिंग आ जाओ फिफ्टीन पे ये डिफरेंट क्वेश्चन है इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ये कहलाती है पैरामेट्रिक फॉर्म दो मिनट ये कहलाती है पैरामेट्रिक फॉर्म आपके पास है x की वैल्यू ए टी क्यूब वाई की वैल्यू बी टी स्क्वायर आपको कह रहे डी वाई बाई डी एक्स निकालो ये क्या करें ये तो डिफरेंट हो गया हमारे पास अभी तक y और x का रिलेशन होता था, था तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते थे अब यहां पे y और x का आपस का रिश्ता है ही नहीं कुछ गिवन ही नहीं है रादर। तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं हम इसमें y t की टर्म्स में दिया है x भी t की टर्म्स में दिया है क्या मैं dy बाई डी एक्स को लिख सकता हूं डी 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 वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड कर दिया एक तरह से लिख सकता हूं y विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट निकाल सकते हो डी वाई बाई डी टी कितना हुआ डी वाई बाई डी टी कितना हुआ b कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का कितना हुआ 2t और dx बाई डी टी कितना हुआ x कितना है एटी क्यूब

डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी डी बाई डी टी कितना है टू बी टी डीएक्स बाई डी टी कितना है थ्री ए टी स्क्वायर टी टी कट गया आपके पास आंसर आया टू बी बाई थ्री ए टी रिजल्ट हो गया समझ में आ गई बात क्लियर है सबको श्योर sure, इसको बोलते हैं पैरा फॉर्म क्या बोलते हैं पैरा फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है जब आपका एक्स और वाई का डायरेक्ट रिलेशन ना दिया हो दोनों का रिलेशन किसी तीसरे वेरिएबल के साथ दिया हो, तब आप ऐसे करते हो, निकालने के लिए, variable, कभी यूज हो जाए तो हो जाए एक ही क्वेश्चन है इसका इसमें ये लॉजिकली समझ में आ गया प्लीज इसमें कोई लिखना है तो लिख लीजिए इन पांचों में फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट सिक्सटीन से ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सिक्सटीन से ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस ऑफ x की आइडेंटिटी क्या होती है डिफ्रेंसिएशन में माइनस साइन एक्स सो ये हो गया आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कॉस एक्स का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स एक्स की जगह क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया मल्टीप्लाई नो प्रॉब्लम यही करते हैं ना साइन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा थीटा की जगह जो है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर का क्या हो गया ए कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का टू एक्स और बी अकेला मारा गया रिजल्ट कितना हुआ माइनस टू ए एक्स साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इजी समझ में आ गया आ जाते सेवनटीन्थ में सेवेंटींथ क्या रहे डिफ्रेंशिएट ई टू पार टैन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ ई टू पार टैन थीटा ई टू पार एक्स का डेरेवेटिव होता है ई टू पार एक्स उसकी जगह है टैन थीटा तो उसके डेरेवेटिव से क्या करोगे मल्टीप्लाई नो प्रॉब्लम ई टू पार एक्स का ई टू पार एक्स एक्स की जगह क्या है टैन थीटा उसके डेरेवेटिव से मल्टीप्लाई रिजल्ट आया ई टू पार टैन थीटा टू सिकेंड स्क्वायर थीटा खत्म कोई बात ठीक है।, है इसी तरह से अगला आंसर एटीन डिफ्रेंशिएट लॉग टू द बेस ई टू बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू बाई एक्स बेस कुछ भी ना लिखा हो तो बेस ई e होता है अब लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगा दो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग ए बाई बी की लॉग ए माइनस लॉग बी जिन्होंने लॉग नहीं किया वो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग ए माइनस लॉग बी डिफ्रेंशिएट कीजिए लॉग टू इज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव हो गया जीरो और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपोन एक्स रिजल्ट आ गया माइनस वन एक्स Log X का डेरिवेटिव फॉर्मूला है सीधा वन अपॉन एक्स रूल जी बेटे दोबारा बिल्कुल होगा तू मुझे छोटा हुआ कि नहीं हुआ सपोज आपने चेन रूल से करना है तो आप कर लो कोई बात नहीं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू इसको सोचो, हो एक्स इन टू एक्स की जगह है टू बाई एक्स ये हो गया एक्स बाई टू इन टू ये टू बाहर एक्स का वन बाई एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स पिट के माइनस वन अपॉन एक्स आंसर आप देख लो कौन सा आसान लगता है आपको yes. मुझे ऊपर वाला पसंद है बाकी नीचे वाला जिसको पसंद है वो वैसे कर ले बेबी को तो बेस भी पसंद है आप देख लो आपको कौन सा पसंद है ठीक है नाइनटीन इ टू पार एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इ टू पार एक्स कॉस एक्स क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट सीधा फॉर्मूला इ टू पार एक्स कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एर्ज इट इज ई टू पार एक्स का ई टू पार एक्स इ टू पार एक्स कॉमन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो मर्जी लिख लो ठीक है छोटे बे छोटे बेबी क्लियर ओके ट्वेंटीएथ ट्वेंटीएथ में आपको बोला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है बट ठीक है कोई बात नहीं वेरीफाई करने को बोल रहा है प्रैक्टिस के लिए सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स और डीएक्स बाई डी वाई इसका प्रोडक्ट वन प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको अगला पेज चाहिए जगह ज्यादा चाहिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव राइट साइड पे कितना हो गया जीरो अब इस पे फॉर्मूला लगाओ एक्स टू पार n का क्या फॉर्मूला n एक्स टू द दार n माइनस वन इन टू चेन रूल एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस ए प्लस इधर भी एक्स टू पार एन का एन एक्स टू दिन माइनस वन इन टू एक्स की जगह क्या है वाई माइनस बी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन राइट साइड पे क्या था जीरो टू कॉमन निकल के खत्म हो गया आपके पास आया एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव हो गया वन प्लस वाई माइनस बी वाई का डेरिवेटिव हुआ डी वाई बाई डी एक्स और b का डेरिवेटिव हुआ जीरो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी रीअरेंज करने के बाद आपको डी एक्स बाई डी वाई भी निकालना है अब आप सेम इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आएगा कि वेरीफाई करो डेरिवेटिव नहीं है यह सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि डिफरेंशिएशन में अप्रोचेस कैसे कैसे ले सकते हो डीएक्स बाई डी वाई निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करोगे वाई करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई डी बाई डी वाई ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव राइट साइड पर क्या हो गया जीरो फिर से सेम एक्सप्रेशन एक्स टू पार एन का एन एक्स टू दाइनस वन डी बाई डी वाई ऑफ एक्स माइनस ए इधर भी वाई टू पार एन एक्स टू पार एन का एन एक्स टू दिन माइनस वन इन टू डी बाई डी वाई ऑफ वाई माइनस बी और कॉन्स्टेंट का था जीरो सॉल्व टू कॉमन निकल के खत्म हो गया राइट साइड पे जीरो है एक्स माइनस ए इधर डी एक्स बाई डी वाई ए का डेरिवेटिव हो गया जीरो वाई माइनस बी डी वाई बाई डी वाई वन हो गया और ये है जीरो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, डेरेवेटिवीरोन एक्स माइनस ए आपको क्या प्रूव करना है मल्टीप्लाई प्रूव करना है एक्स माइनस ए और डी एक्स बाई डी वाई और डीवाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट एक कितना है नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी दूसरा कितना है नेगेटिव ऑफ वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए कट्टा पिट्टा हुआ रिजल्ट आ गया वन इट समझ में आई बात ये इस तरह से करना है एक में विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट एक में विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट ठीक अभी टाइम दूंगा लिखने का पहले थोड़ा आगे देख लो ट्वेंटी वन डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा फर्स्ट पार्ट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा साइन एक्स का डेरेवेटिव कॉस एक्स एक्स की जगह है टू थीटा उसके डेरेवेटिव से मल्टीप्लाई यही करोगे थीटा का टू बाहर थीटा कॉन्स थीटा का डेरिवेटिव वन क्लियर इसी तरह सेकंड पार्ट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन रूट थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा थीटा की जगह है रूट थीटा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई रूट का डेरिवेटिव वन बाई टू रूट कॉस रूट थीटा ट्वेंटी टू इन चार को करने के बाद रुक जाऊंगा मैं जो लिखना हो लिख लेना ट्वेंटी टू एस आपको दिया है थ्री टी स्क्वायर प्लस नाइन एस आपको दिया है थ्री टी स्क् प्लस नाइन आपको डीएस बाई डी निकालना है आपको डीएस बाई डी निकालना है जब आपको डीएस बाई डी निकालना है तो आप विद रिस्पेक्ट टू तो टी डिफरेंशिएट करोगे थ्री कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का कितना हो गया टू टी और नाइन का कितना हुआ जीरो का रिजल्ट आ गया सिक्सटी इसके बाद डी टू, टू एस बाई डी टी टू डी टू एस बाई डी टी टू का मतलब क्या हुआ डी बाई डी टी ऑफ डीएस बाई डी टी याद है ना डबल डेरिवेटिव मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है सो डी बाई डी टी ऑफ सिक्सटी कितना आया सिक्स टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है वन क्लियर है सबको यहां तक ऑनलाइन सबको क्लियर है yes, आगे देखो ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड क्या कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कल ट्वेंटी थर्ड बोला द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस एरिया आपको पाई पाईआर स्क्वायर दिया हुआ है जरा प्रूविंग देखना प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डी ए बाई डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस माने डी ए बाई डी आर आपको कुछ प्रूफ करना है ये हो गया डी बाई डी आर ऑफ पाईआर स्क्वायर पाई कॉन्स्टेंट डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू आर रिजल्ट आया टू पाई आर क्या प्रूव करना था इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया नहीं हो गया प्रूफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना प्रूव हो गया सरकम के इक्वल इस पेज का लास्ट फिर मैं साइड हो जाऊंगा आप लिख लेना आंसर ट्वेंटी फोर द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द ब्लॉट ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर टी इट्स एरिया इज गिवन बाय किसी भी मोमेंट पे एरिया की वैल्यू है टू टी स्क्वायर प्लस टी बाई थ्री प्लस फाइव डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब डी ए बाई डी टी निकालना करो डी बाई डी टी ऑफ टू टी प्लस टी बाई थ्री प्लस फाइव करो डिफरेंशियट टू कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का हुआ टू टी वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट टी का हुआ वन और फाइव का हुआ जीरो रिजल्ट कितना आया फोर टी प्लस वन बाई थ्री आपको निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया टाइम इज टेन तो डी ए बाई डी टी वेन टाइम इज टेन पुट करो फोर्टी प्लस वन बाई थ्री रिजल्ट आया फोर्टी पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया है ना एरिया मीटर स्क्वायर होता है टाइम सेकेंड में समझ में आ गया यहां तक यहां तक जो लिखना है लिखिए फिर हम आगे चलते हैं आगे देखिए नेक्स्ट सेट ट्वेंटी 26, 25 मेटल रिंग इज हीटेड सच दैट इट्स एरिया इन मीटर स्क्वाज इज इक्वल टू थ्री टी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एटीक्वल टू फाइव सेकेंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया कितना हो गया डी ए बाई डी टी कितना हुआ डिफ्रेंशिएट करो डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी स्क् प्लस डी बाई डी टी ऑफ पाई थ्री कॉन्स्टेंट टी स्क्वायर का कितना हुआ टू टी और अकेला पाई मारा गया रिजल्ट आया सिक्सटी और आपको टाइम कितना दिया है फाइव सेकेंड सो डी ए बाई डी टी वेन टाइम इज फाइव सेकेंड रिजल्ट आया थर्टी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड गॉट इट समझ में आ गया ट्वेंटी सिक्स

डीएस बाई डी टी यू कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस हाफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायेयर टी का डिफ्रेंसिएशन वन टी स्क्वायर का टू टी यू प्लस ए टी यह आ गया डीएस बाई डी टी आपको डीएस बाई डी टी निकालना था फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट में निकालना है डीएस बाई डी टी वेन टी इज जीरो तो सेकेंड पार्ट में निकालना है डीएस बाई डी टी वेन वैल्यू ऑफ टी इज जीरो टी की वैल्यू जीरो तो क्या बचेगा यू ए टी वाला टर्म क्या हो गया जीरो थर्ड पार्ट में डी टू एस बाई डी टी टू डी टू एस बाई डी टी टू का मतलब क्या होता है डी बाई डी टी ऑफ डीएस बाई डी टी माने डी बाई डी टी ऑफ डीएस का मतलब क्या हुआ यू प्लस ए टी करो डिफरेंशिएट यू का क्या हुआ जीरो ए कॉन्स्टेंट टी का क्या हुआ वन रिजल्ट आ गया ए सो तीन पांच तीनों का आंसर क्लियर आ जाते हैं ट्वेंटी सेवेंथ पे अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू टी टू पार फोर सिक्सटी फोर बाई सिक्सटी माइनस टी बाय फोर प्लस सेवन वेर थीटा इज इन एंड टी टीज इन सेंगुलर वेलॉसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी तो थीटा को डिफ्रेंशियट कीजिए एंगुलर वेलॉसिटी आ जाएगा माने डी बाई डी डी टी ऑफ टी टू पार फोर बाई सिक्सटी माइनस टी बाय फोर प्लस सेवन अलग अलग कीजिए वन बाय सिक्सटी डी बाई डी टी ऑफ टी टू पार फोर माइनस वन बाय फोर डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ सेवन करो डिफ्रेंशिएट टी टू पार फोर का कितना हुआ फोर टी क्यूब टी का कितना हुआ वन सेवन का कितना हुआ जीरो, टी क्यूब जीरोन माइनस वन बाई फोर यह हुआ ओमेगा अब आपको क्या निकालना है आपको निकालना है जब टाइम की वैल्यू टेन सेकेंड है सो so, ओमेगा निकालना है जब टाइम की वैल्यू टेन सेकेंड है सो थाउजेंड बाई फिफ्टीन माइनस वन बाई फोर थ्री सेकेंड टू हंड्रेड बाई थ्री यानी 66.66 रेडियंस पर ठीक है इट, समझ में आया ये थे डेरिवेटिव्स के सारे क्वेश्चन अब मैं एक बार इंटीग्रल्स दोबारा आपको बेसिक बता रहा हूं और उसके पांच सात क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं उसके क्योंकि एक ही किया था हमने इंटीग्रल्स में मैंने आपको क्या बताया था इंटीग्रल्स उल्टे होते हैं से। अगर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल पहला फंक्शन होगा किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा है तो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला होगा इसमें पहला मेजर फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटू बार एनडीएक्स फॉर्मूला क्या होता है एक्सटू बार एन प्लस एन प्लस वन साथ में आ जाता है चमन सी

इसके अलावा जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज उसके उल्टे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा इंटीग्रेशन क्या तो होगा टेन एंड सो ऑन सारे फॉर्मूलाज आप रिवर्स कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा होता है इसमें लिमिट्स होती है नीचे और ऊपर फॉर्मूला सेम लगता है सी नहीं आता लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगती है अभी करके दिखा रहा हूं ऐसे पांच छह क्वेश्चन करूंगा और क्लियर होगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अभी अभी इंटीग्रेशन में आपको अभी दो याद रखने पहला कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आ जाएगा और दो को अलग अलग डिफरेंशियट कर सकते हो इंटीग्रेट कर सकते हो कुछ क्वेश्चन देखिए मैं कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए सपोज आपको क्वेश्चन में बोला इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डीएक्स एक्स स्क्वायर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन डीएक्स ये इंटीग्रेशन बोला ना ये तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस वन डीएक्स अब क्या करो सेपरेट हो जाएगा ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स ये समझ में आता है सेपरेट हो जाता है अब तीनों में फॉर्मूलास लगा दो एक्स टू पार एन का इंटीग्रल क्या बताया एक्स टू पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू पार वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन माइनस डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स पूरे का कॉन्स्टेंट इकट्ठा सी लिख लो अलग अलग सबके सी मत लिखना एक साथ सी खत्म ये आंसर आ गया यही क्वेश्चन डेफिनेट में होता इंटीग्रेशन एक्स स्क् माइनस टू एक्स माइनस वन डी एक्स लिमिट दी होती एक्स इक्वल टू लेट से वन से लेकर एक्स इक्वल टू फोर तक ये स्टार्टिंग वाली लिमिट होती है या अपर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ये कहलाती है क्या अपर लिमिट क्या करोगे सेम फॉर्मूला लगेगा एक्स टू पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन जो पहले लगाया बस अब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे लिमिट लिख दोगे यहां पे वन से फोर फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट फिर से वन से फोर तक माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट वन से फोर तक सेम एक्सप्रेशन है सी नहीं आएगा सिंप्लीफाई करो अब डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब एक्स की जगह ये जो ऊपर है पहले वो लिखो फोर क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की जगह जो वन नीचे वाली लिमिट है वो लिखो सिर्फ एक्स की जगह बाकी सब एस इट इज रहेगा फिर माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट अब सिंप्लीफिकेशन है फोर क्यूब क्या हो गया सिक्सटी फोर माइनस वन सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री बाई थ्री कितना हुआ ट्वेंटी वन सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन फोर माइनस वन थ्री इक्कीस में अठारह गए बचा तीन ये इसमें आंसर जो है वो नंबर्स में आता है फाइनल रिजल्ट नंबर में आएगा और देखो सपोज आपके पास हो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक मिनट टी की टर्म से भी हो सकता है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस थ्री डी टी क्या करोगे फॉर्मूला अलग अलग करो इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस थ्री इंटीग्रेशन डी टी ये बात ये स्टेप समझ में आता है क्या फॉर्मूला बताया मैंने पावर एन है तो बोल बेटा आंसर बोल इसका टी टू पार क्या फॉर्मूला बताया एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कौन सा एक ही मेजर फॉर्मुला एक ही लगेगा अभी इंटीग्रेशन एक्स टू पार एन डी एक्स क्या फॉर्मूला एक्स टू पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बोल बेटे आंसर बोल टी टू पार बिल्कुल ठीक फिर माइनस सर आप अप� बोलो टी टू पार टू डी टी का सर आप बोलो टी डी टी का इसका बोल बेटा माइनस थ्री आगे नो no, कैसे, कैसे सिर्फ डी टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या बताया सिर्फ टी सिर्फ टी इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है एक्स इंटीग्रेशन डी टी क्या होता है टी सिर्फ टी खत्म साथ में आएगा सी आई बात समझ सपोज यही लिमिट में एक और इंटीग्रेशन टी प्लस टू डी टी लिमिट टी इक्वल टू वन से लेकर टी इक्वल टू थ्री तक इंटीग्रेशन टी डी टी वन टू थ्री प्लस टू इंटीग्रेशन डी टी वन टू थ्री छोटे बच्चे बोल बेटा इसका आंसर बोल टी डी टी का टी टू पार थ्री कहां से आ गई बेटा ये टी टू पार वन है वन प्लस वन कब से थ्री होने लगा टी टू पार क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला वो लिखा बेटा ऊपर हाँ तो ध्यान से सोचना यार टी टू पार वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन लिमिट क्या होगी वन से थ्री तक फिर प्लस टू डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट वन से लेकर थ्री तक अब क्या करते हैं लिमिट्स पुट करते हैं लिमिट्स कैसे पुट करते हैं T की जगह पहले थ्री डालोगे माइनस टी की जगह लोअर लिमिट डालोगे हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस टू एज इट इज डीटी में टी की जगह पहले अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट रिजल्ट कितना आया नाइन माइनस वन एट ये टू लिखना था एट बाई टू एट बाई टू कितना हुआ फोर प्लस फोर रिजल्ट आ गया एट ठीक है समझ में आया और देखो सपोज आपके पास होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री तक पाई बाय सिक्स कितना होता है पाई बाय सिक्स होता है थर्टी डिग्री पाई बाय थ्री कितना होता है सिक्सटी डिग्री साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स लिमिट पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री माइनस बाहर लो कॉस पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई सिक्स वैल्यू डालो कॉस पाई बाई थ्री माने कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाई टू कॉस पाई बाई सिक्स मतलब कॉस थर्टी सिंप्लीफाई करो रूट थ्री माइनस वन अपॉइंट टू आंसर समझ में आई बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ गई अभी अपने इतने ही काम किए बहुत बड़ी इंटीग्रेशन बहुत कुछ है बड़े हैं बड़े लॉजिक हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी सिर्फ ये एक फॉर्मूला और लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है वो आनी चाहिए ठीक है अब आप करेंगे क्या घर पे जितने डाउट्स थे उनको रिपीट करेंगे अपना जो नॉर्मल क्लास का होमवर्क चल रहा है वो करेंगे बाकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच